सीता जी कुटिया में ही राजभवन, कुटिया को ही राजभवन मानती हैं, और वे कह मतलब वो कहती हैं कि अपने परिश्रम की बूंदों से वे काम करती हैं, सबके स्वास्थ्य का ख्याल रखती हैं, और तनु लता सफलता स्वादु आज ही आया, यानी लताओं से जो उन्हें सब फल फूल मिलते हैं उसका असली स्वाद तो आज यहाँ आकर ही मैंने जाना है। तो है मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया, अब है किसलय कर स्वागत हेतु हिला करते हैं। कोमल छोटे फूल से पहले जो कली होती है और जो पत्ते होते हैं, छोटे छोटे पत्ते, जो नए नए पत्ते निकलते हैं ना, किसलय कर यानी हाथ, स्वागत हेतु हिला करते हैं। कोमल जो नए नए पत्ते निकलते हैं वो जब ऐसे लहराते हैं तो ऐसा लगता है कि वो मेरे स्वागत में हिल रहे हैं, स्वागत मतलब मेरा स्वागत कर रहे हैं। फिर मृदु मनोभाव सम, मृदु यानी सॉफ्ट, मनोभाव मन के भाव यानी कोमल मन के भावों की तरह सम सुमन खिला करते हैं। सम यानी उनके समान, सुमन यानी फूल। तो कोमल जैसे हमारे मन के भाव में, मन के भाव कैसे होते हैं, सॉफ्ट, मतलब कुछ ना कुछ नया नया चलता रहता है, तो वैसे ही हर रोज वहां क्या खिलते हैं, सुमन फूल खिला करते हैं। मतलब फूलों को, फूल कैसे सॉफ्ट रहते हैं ना, वैसे हमारे मन के भाव भी ऐसे सॉफ्ट रहते हैं, कुछ ना नया नया हमारे मन में जो फीलिंग्स होती हैं तो वो वैसे ही फूल नए खिलते रहते हैं। फिर है डाली डाली, पेड़ों की डालियों पर, ब्रांचेस पर डाली डाली पर क्या मिलते हैं, नव फल नित्य मिला करते हैं, नए नए फल नित्य यानी हमेशा मिलते हैं। तृण तृण पर मुक्ता भार झिला करते हैं, तृण तृण पर, तृण यानी तिनका, ग्रास पूरी जमीन पूरा, अब वन ही है तो ग्रास ही है ना वहां पर, तो घास का जो एक एक तिनका है उस पर मुक्ता भार मोतियों जैसी चमक चमकती रहती है। उसका मतलब क्या है, सुबह अर्ली मॉर्निंग क्या रहता है, ओस की बूंदें गिरती हैं ना, वो बूंदें कैसी होती हैं, मोतियों की तरह जो तिनकों पर दिखाई देती हैं, तो पूरी घास कैसे होती है, चमकती रहती है, तो हर एक एक तिनका वहां का चमकता रहता है। तो प्रकृति कैसा है कि नेक्स्ट लाइन बताई है कि निधि खोले दिखला रही अपनी निज माया, यानी प्रकृति जो है अपना खजाना खोलकर दिखला रही हो, ऐसा लगता रहता है हर रोज। पूरा जो प्रकृति है, नेचर है, वो अपना खजाना खोलकर दिखला रही हो ऐसा लगता है, क्योंकि प्रकृति कैसी है, पूरी हरियाली है, सब जगह हरियाली है, उसके हर तिनका तिनका चमकता रहता है, और पत्ते ऐसे हिलते हैं जैसे हमारे स्वागत में हिल रहे हों, हमारे मन के भावों की तरह फूल खिलते हैं, रोज रोज नए नए फूल खिलते हैं, छोटी छोटी कलियां फिर से खिलती हैं, और वही घास चमकती रहती है, और डाली डाली पर नए नए फल मिलते हैं, ऐसा लगता है कि प्रकृति अपना खजाना खोलकर दिखला रही हो मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। अब नेक्स्ट है कि उसे जो उसका, वो सोचती थी कि मेरा दुर्भाग्य है, लोग कहते थे कि इसका दुर्भाग्य है कि इसे देखो राजभवन छोड़कर वन में आना पड़ा, पर वो कहती है यह तो मेरा सौभाग्य है। तो इसलिए वो कहती है, कहता है कौन भाग्य ठगा है मेरा, कौन कहता है कि मेरा भाग्य ठग गया है, यानी मेरा भाग्य दुर्भाग्य बन गया है, बल्कि वो सारा सुना हुआ भय, वह सुना हुआ भय दूर भगा है मेरा, वो तो सारा डर मेरे दिमाग से पूरा निकल गया है, कुछ करने में अब हाथ लगा है,
क्योंकि यहाँ पर अब मैं कुछ कर सकती हूँ, वन में ही गृहस्थ जगह है मेरा, यानी इस जंगल में, वन यानी जंगल में ही मेरा संसार, गृहस्थ संसार, मेरा परिवार बना है। क्यों? वो आई थी शादी के बाद ही, उसको ये वनवास मिला था, बाद में उसका संसार यहीं बना, उनके दो बेटे हुए लव कुश, और वो कहती है कि यहाँ वो तो सबकी, यह वधु जानकी बहू बनकर आई थी सबकी, जब शादी हुई तो सबकी बहू बन गई कि नहीं, वो जानकी यानी सीता ही, वधु जानकी बनी आज यह जाया, सबकी यहाँ माँ बन गई है, सब उसको, तब से उसको जानकी माँ, सीता मैया कहने लगे ना, तो यहाँ आकर तो वह सबकी माँ बन गई है, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। नेक्स्ट है, फल फूलों से लदी हैं डालियाँ मेरी, मेरा जो जीवन है, जैसे ये डालियाँ सब फूलों फलों से लदी है ना जंगल में, वैसे ही मेरा जीवन भी कैसा हो गया है, इतना सुखमय हो गया है कि पूरा फूलों सा भर गया है, मेरे जीवन की जो डालियाँ हैं वो फल फूलों से भर गई हैं, ये हरी पत्तले भरी थालियाँ मेरी, हरियाली है जो, हरे हरे सब जगह हरियाली है, तो वे ही मेरी थालियाँ हैं, यानी थाली वैसे किसको कहते हैं, जिसपे हम खाना खाते हैं, तो वही मेरे जीवन का आधार बन गई है, मुनि बालाएं हैं आलियां मेरी, मुनियों की जो बच्चियां हैं बेटियां हैं ऋषि मुनियों की, वही मेरी सखियां मित्र बन गई हैं, तटीनी की लहरें और तालियां मेरी, तटीनी यानी जो पानी बहता रहता है नदियां, उसकी जो लहरें हैं वेव्स जो ऐसे ऐसे आवाज़ करती हैं, साउंड आता है, वही मेरे लिए क्या है, तालियां हैं, यानी मुझ पर, मेरे काम पर वे खुश हैं और मेरे लिए ताली बजाती है, तालियां क्या है, अप्रिसिएशन, यानी हम किसी की प्रशंसा करते हैं, तो ये जो पानी बहता रहता है ना, वही मेरे लिए, मेरे जो उसका जो स्वर आता है, वही मेरे लिए, लहरों का जो स्वर आता है वही मेरे लिए प्रशंसा, ऐसा लगता है कि वो मेरे लिए तालियां बजा रही हो, तो है क्रीड़ा सामग्री बनी स्वयं निज छाया, और जो मेरी ही परछाई है, मेरी ही जो शैडो है, वही मेरे लिए क्रीड़ा सामग्री यानी खेल का सामान बन गई है, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। तो सीता माँ कुटिया को ही राजभवन मानती है, और अब इसमें पहले में बताया है कि उनके पति ही जो प्राणेश है यानी श्री राम है, वही वहाँ के राजा हैं और देवर मंत्री है, और वहाँ मुनियों का आशीष मिलता रहता है, वो वाला है पूरा पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ में क्या बताया है कि वे इतनी खुश हैं क्योंकि वह अपना काम अपने हाथों से करती हैं, सबके स्वास्थ्य का ख्याल रखती हैं, वो सोचती है लाभ ही मुझे यहाँ लाया है। थर्ड में प्रकृति वर्णन है, कैसे फूल पत्ते सब उसकी तारीफ करते हैं, वो वाला है तो प्रकृति के बारे में। फिर फोर्थ पैराग्राफ है कि कौन कहता है कि मेरा भाग्य दुर्भाग्य हो गया, बल्कि यही तो मैंने अपना गृहस्थ संसार शुरू किया है और माँ बन गई है, सबकी वधू थी पहले मैं, अब यहाँ माँ बन गई हूँ। फिर ऋषि मुनि लास्ट वाला, मुनियों की बालाएँ मेरी सखियाँ बन गई हैं और ये प्रकृति मेरी तारीफ करती रहती है, उसके बारे में दिया है। तो यही है, सीता माँ ने इसमें अपने वन में रहने का वर्णन कैसे किया है। थैंक यू।